सकता हूँ कि हॉकी फाइव अब पाकिस्तान में स्कूल हॉकी में, यूथ हॉकी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और अगर हमने स्कूलों में दोबारा हॉकी रिवाइव करनी है, क्लब लेवल पे करनी है, तो हॉकी फाइव एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। आपके शायद दिल में हो कि 23 में FIH ने हॉकी फाइव वर्ल्ड कप भी अनाउंस किया हुआ है, जो इस पेंडेमिक की वजह से शायद एक साल आगे चला जाए, लेकिन हम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले में कोचिंग कोर्सेज भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने करवाने शुरू कर दिए हैं। तो हमने अपने कोचेज भी उसमें डाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हॉकी फाइव को भरपूर तरीके से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और ये एक ऐसी शक्ल होगी जैसे क्रिकेट में T20 है, इसमें हॉकी में ये हॉकी फाइव के रूप में आएगी, और ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ ये काम शुरू होगा और हॉकी को एक नई सिमत कर रहे हैं कि अगस्त के एंड में हॉकी फाइव जो है उसकी लीग करवाई जाए या नेशनल चैम्पियनशिप करवाई जाए, ताकि हमारे डोमेस्टिक हॉकी के जो दरवाजे हैं वो खुल सकें। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि SOPs के साथ ही ये टूर्नामेंट होंगे, और SOPs के साथ ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में हमने नेशनल चैम्पियनशिप जो है उसका पहला राउंड जो ट्रे चैम्पियनशिप होनी है वो करवाएं, और उसके साथ नेशनल चैम्पियनशिप करवाएं। तो हमारी जो एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगस्त के एंड में हम स्टार्ट करेंगे SOPs के साथ।